तो दोस्तों ये है मियां शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह की जो है मज़ार मुबारक है, ये आप देख रहे हैं। इंशाल्लाह मैं इसके अंदर चलकर भी जो आपको सारा विज़िट करवाता हूँ, दिखाता हूँ। तो इनकी तारीख जो है बहुत इन बुज़ुर्ग की पुरानी है। ये सिंध से और दूर दूर से जो है यहाँ पे आते हैं, अकीदतमंद आते हैं, और अक्सर जो लोग हैं यहाँ पे हिंदू मज़हब के जो रखने वाले हैं वो लोग यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। वो इस इन बुज़ुर्ग को बहुत ही मानते हैं और इससे फैज़ाब होते हैं। तो दोस्तों ये अभी जो है मकबरे का काम तामीर हो रहा है, और ये देख रहे हैं आप जो है चौ तरफ जो है बड़े बड़े रेत के टीले हैं। तो ये वज़ू खाना है, वज़ू खाना भी अभी बनाया हुआ है, पहले नहीं था। इंशाल्लाह आगे चलते जाएंगे और हर चीज़ को रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो ये माशाल्लाह दरगाह के जो करीब बिल्कुल मस्जिद है एक, ये भी पुराने वक्त की बनाई गई है, लेकिन अभी इन लोगों ने जो है शहीद करके नए सर से तामीर कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, और इसमें रहमत है, बरकत है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुकून बहुत ही मिल रहा है। क्यों ना सुकून मिले, जो अल्लाह वालों के जो दर है उनसे क्यों नहीं सुकून मिलता। ये बाहर बिल्कुल कब्रिस्तान है, दूर रेत के टीले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम जो है दरगाह के अंदर एंटर हो रहे हैं, ये मेन गेट है। तो जहाँ सारा जो है कब्रिस्तान है, अभी इस गली के अंदर जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मियां शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के करीब पहुँच चुके हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये काम अभी जारी है। ये मीनार को बहुत ही अभी ऊंचे तक बनाते जा रहे हैं, अंदर भी इंशाल्लाह हम चलते हैं। पहले जो है मज़ार उसको शहीद करके ये दूसरे बनाए, ये जो है बुज़ुर्ग है, बड़े ही दूर वक्त से इनकी दरगाह जो है मशहूर है, यहाँ पे जो हिंदू लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अभी चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا اولياء الله تقریبا تین طرف سے جو ہے گیٹ رکھے گئے ہیں مجھے پہلو ہی بات دیتا ہی ہے بھائی तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुझे एक बहुत ही चीज़ जो अच्छी लगी, ये जो है लेडीज़ हॉल है, लेडीज़ को अलग बिठाया जाता है और मर्दों को अलग। ये जो है काफ़ी कम जगहों पे होता है, ये चीज़ लाजमी ज़हन में रखनी चाहिए।